और बीजेपी मुख्यालय का रुख करते हैं, जयपुर का रुख करते हैं, जहां पर मौजूद हमारे सहयोगी नरेश शर्मा, उनसे बात करते हैं। नरेश, गमगीन माहौल होगा, शोकाकुल पूरा बीजेपी मुख्यालय होगा, जहां पर रोजाना वक्त पर पहुंचते थे मदन लाल सैनी, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो वहां पर उपस्थिति ना हो, लोग उनको उनसे मिलने के लिए जद्दोजहद करनी पड़े, आम कार्यकर्ता की तरह लोगों के बीच में रहे हैं, जब जब हमने लाइव किया, जब जब कोई भी बैठक हुई है बीजेपी मुख्यालय में। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदेश कार्यालय है, जहाँ पे कह सकते हैं आज बिल्कुल सूनापन जो है वो छाया हुआ है, क्योंकि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है मदन लाल सैनी अब नहीं रहे। और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उसको भी आधा झुका दिया गया है अब, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी संवेदनाएं हैं वो व्यक्त की जा रही है कार्यकर्ताओं के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा। और जो झंडे झुकाने के साथ साथ जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें भी एक गमगीन माहौल है। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी वो यहाँ मौजूद हैं, और भी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। उनके चेहरे बताते हैं कि आज इन्होंने क्या खोया है, पार्टी ने क्या खोया है, कार्यकर्ताओं ने क्या खोया है। अरुण जी, ऐसा माहौल है कि शब्द भी शायद आज नहीं बन पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम इस दुख को, मैं कह सकता हूँ कि वज्राघात है पूरी पार्टी के परिवार के ऊपर। एक ऐसा योद्धा, ऐसा कार्यकर्ता जिसने जीवन में कोई भी, चाहे विधायक रहे होंगे, सांसद रहे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व रहा, महामंत्री का रहा, अनुशासन समिति के अध्यक्ष के नाते रहे, लेकिन उन सब पदों को दायित्व मान करके और कार्यकर्ता के नाते मुझे जो काम दिया है उसको निष्ठा के साथ काम करूँ, इस विचार को और पार्टी को, संगठन को हर जगह पहुँचाने का मेरा एक प्रयास रहा, उसको उसी जीवन में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। हमें लगता नहीं था, दो दिन पहले एक बैठक में मिले थे, उसमें मैंने पूछा था, 8-10 दिन पहले अस्वस्थता थी, उन्होंने कहा ठीक है, और मुझे थोड़े जुकाम वगैरह है लेकिन ठीक हो जाएगी। परसों ही मैं दिल्ली से लौट रहा था, तभी 21 तारीख को एक खबर मिली कि उनको एम्स लेके जा रहे हैं। उनके बेटे से बात हुई थी, मनोज से, तब भी ऐसा लगता नहीं था कि 2 दिन बाद ऐसी कोई दुखद समाचार हमें मिलेगा। भगवान भी कितना क्रूर हो सकता है, इसका एक उदाहरण हम कह सकते हैं, पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। कैसे भगवान हम शक्ति दे कि हम सब कुछ को सहन कर सकें, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अपने चरणों में स्थान। अरुण जी, भले ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो रहे हैं, लेकिन हमने जब देखा, आपने जो देखा, काम एक कार्यकर्ता की तरह किया, यही वो जगह है जहां अक्सर वो बैठा करते थे। जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे तब भी रोडवेज में यात्रा करते थे, आप कार्यकर्ता की तरह रहते थे। कोई ऐसी याद आपके जहन में जो लगता है कि आपको दिल की छुई हो, मदन लाल सैनी के जो व्यवहार है, उनके बात करने का तरीका, उनके काम करने का तरीका? देखिए, मेरा, मैं 78 में जयपुर आया था, 77 के नवंबर में, 77-78 से उनका मेरे परिवार के साथ बड़े निकट के संबंध रहे, मजदूर संघ के कार्यकर्ता थे। जब मैंने मत कहा कि सादगी जीवन में थी, वकील थे, छोड़ करके संगठन के काम में लग गए, संगठन अपेक्षा करी, और साधारण कपड़े अपने हाथ से धोना नियमित रूप से, और उनके ऊपर प्रेस मिली तो ठीक, संगठन का पैसा खर्च होगा इसलिए उसके ऊपर खर्च नहीं करते हुए तकिए के नीचे रखा, और धोती और कुर्ते को पहन करके चल देना, ऐसे कई चीज़ें, साधन की चिंता नहीं, रोजाना कार्यालय आना, चाहे दायित्व था या नहीं था, और यहाँ पेड़ के नीचे बैठना, कोई आते थे उनकी सुनवाई करना, जहाँ समाधान के लिए जो प्रयास हो सकते थे उस कार्यकर्ता को उस बात की कहना, संगठन और संगठन का अनुशासन, ऐसा लगता था कि जीवन में उनके, कहीं हम कई बार शब्द कहते थे उनको, हेडमास्टर के नाम से बोला करते थे, क्योंकि संगठन के मामले में वो बहुत कड़े अपने आप में रहते थे। जितने निर्मल थे, जितने सबके बात सहज थे, उतने संगठन और संगठन का अनुशासन, ये उनको कहीं ऐसा लगता था कि संगठन के साथ कोई अगर चोट कर रहा है तो इससे बड़ी कोई सजा किसी की हो नहीं सकती, बहुत सहज और सरल व्यक्ति थे। उनका कार्यकाल हालांकि कम रहा, लेकिन उसके दौरान भी पार्टी ने काफ़ी सफलता हासिल की। अभी लोकसभा जो चुनाव हुए हैं उसमें सभी सीटें जीती, और प्रधानमंत्री भी जब भी राजस्थान आए उनकी मौजूदगी में जो है उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की है मदन लाल सैनी की, क्योंकि उन्होंने साथ काम किया है। कितनी क्षति मानी जाए अरुण जी इसको, न केवल पार्टी के लिए बल्कि कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, आपने कहा सही है कि उनका एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व, आगे की दूरदर्शिता, कार्यकर्ताओं के साथ सहज था, उसका ही परिणाम था कि जो विधानसभा के चुनाव में आपका और सबका अंदाज लगता था कि भाजपा 40 सीट पाएगी, आज हम 73 सीटों पर खड़े हैं और कांग्रेस के बराबर वोट लेकर के आए। लोकसभा में तो अप्रत्याशित रूप से 25 की 25 सीट गई। मैं कह सकता हूँ कि मदन जी के नेतृत्व का और उनकी रणनीति का परिणाम था जो इतने आशाजनक हम परिणाम दे पाए। आपने
प्रधानमंत्री जी कहा कि देश में ऐसे बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता होंगे जो इनके लगभग 50 साल के सार्वजनिक जीवन में कहीं ना कहीं एक साथ साथ चलने का काम किया है। उनके एक ख्याति मैं बार बार कहूँगा कि मैं क्षति की पूर्ति तो हो ही नहीं सकती, मदन लाल सैनी दूसरा पार्टी में कोई दोबारा बनेगा ऐसी कोई मैं कह नहीं सकता। ये बात सही है कि लगातार काम करने के बाद भी उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं होती थी, उम्र का असर नहीं दिखता था। पार्टी ने दिया है तो काम करना, लगातार चलते रहना, चरवती चरवती सिद्धांत। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है, लेकिन उसी तरह कांग्रेस के जो नेता है, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, सचिन पायलट की बात करें और जो तमाम नेता है, उन्होंने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। और हमारी उनसे बात, उनका भी कहना था कि ये अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, यानी ये माना जा रहा है कि मदनलाल सैनी एक ऐसे कार्यकर्ता नेता थे, भले ही राजनीति में अलग पार्टी हो लेकिन उनका कोई वैरी नहीं था। बात सही है कि हम राजनीतिक दल में एक विचार के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दलों के साथ हमारे कोई वैमनस्य के संबंध हैं। हम मुद्दों के ऊपर बहस हो सकती है, मुद्दों के ऊपर विरोध समर्थन हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध इससे ऊपर होते हैं। वैसे तो राजस्थान की थाती है और मदन जी उसके अपवाद और हो सकते हैं कि मदन जी ने कभी भी अपने व्यक्तिगत संबंधों को, जहाँ पार्टी का विचार, पार्टी की निष्ठा, उसके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों की प्रगाढ़ता अपने स्थान पर उसको बनाए रखने का उन्होंने प्रयास किया। अंतिम सवाल, उनके अंतिम संस्कार को लेकर किसी तरह का कोई कार्यक्रम अभी निर्धारित हुआ है क्या रहे? अभी दिल्ली में अपने संगठन महामंत्री जी वहाँ पर हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी दिल्ली हैं, बैठ करके वहाँ से समाचार हुआ, बात करके एक बार कब वहाँ से चलेंगे ये तय होता है, और थोड़ी देर में दिल्ली के एक बार बात करते हुए और परिवार से बात करके इसकी पूरी योजना को हम तय करेंगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हो किस तरह जो शोकाकुल है आज भाजपा का परिवार, क्योंकि यही वो प्रदेश कार्यालय है जहां अरुण कह सकते हैं कि इन कार्यकर्ताओं के बीच में जो एक आम कार्यकर्ता की तरह ही मदनलाल सैनी काम करते थे, लेकिन आज यहां पे गमगीन माहौल है। कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं हो रहा, भाजपा के नेताओं को विश्वास नहीं हो रहा कि मदनलाल सैनी जो पिछले कुछ दिनों पहले अस्वस्थ हुए थे, बिल्कुल हंसमुख स्वभाव के और सबसे घुल मिल के बात करते थे। बड़ी चीज़ ये है कि जब भी हमने देखा उनको कि कार्यकर्ता अगर उनके पास आता तो अपने चैम्बर में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी, और जिस तरह से बड़ी क्षति है बीजेपी के लिए, ट्वीट भी लगातार यहाँ पर हो रहे हैं, और अभी अमित शाह ने भी ट्वीट किया है मदनलाल सैनी को लेकर, और कहना भी यही कि